नमस्कार, स्वागत है आपका बीआरजे टीवी जानता की आवाज पे। मैं हूं चंदन बाबू। मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा प्रखंड में इस वक्त मैं उपस्थित हूं। आइए यहां पर, यानी कि चुनाव, पंचायती चुनाव और आज के नॉमिनेशन हो रहा है। आइए यहां पर कुछ जानकारी लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। रंभा जी, आप किस पद के लिए यानी कि नॉमिनेशन किए हैं? मुखिया के लिए। जी, मुखिया के लिए किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए, यहाँ पर इनके पति है श्री मनोज शाह जी, आइए इनसे कुछ विशेष बात करेंगे। सर, आपका बीआरजे टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। यानी कि आपके चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छे से चल रही है सर। यानी कि आपसे आपका यानी कि चुनाव लड़ने का या आज नॉमिनेशन किया, इसका क्या मुद्दा हो सकता है? मेरा यही है कि मेरे पंचायत में अच्छे से काम हो, अच्छा से विकास हो। जी जी। और प्रत्याशी लोग हैं, कागजी प्रक्रिया पूरा करते हैं। जी जी। मेरा प्रयास है कि मेरा जो भी काम हो तो धरातल पे। जी जी जी। यानी धरातल पर होगा, यानी कि आप भ्रष्टाचार पर कुछ कहेंगे? यानी कि घुसबाजारी हो गया, उसके बाद कोई भी मतलब सरकारी योजना पास कराने वक्त घुस ले जाते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? मेरा यही राय है कि घुस का तो नामो निशान मिटा देना है। जी जी। भ्रष्टाचार को दूर कर देना है। जी जी। ताकि मेरा पंचायत जो है आदर्श पंचायत बने। जी जी। आदर्श पंचायत बनाइएगा। यानी कि आप जीत करके और जनता के प्रति मतलब क्या क्या सेवा करना चाहेंगे? हर जो भी सरकार की तरफ से मेरे कलम से जो होने वाला है, हर प्रयास पूरा करेंगे मेरा जनता। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ नौजवान साथी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आइए उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। अरविंद कुमार पटेल जी। आप श्री मनोज शाह मुखिया जी के, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग इनके साथ बहुत समर्थन में हैं। जी जी। और हम लोग यही चाहते हैं कि अरोलिया पंचायत का मुखिया मनोज शाह जी को बनाएंगे। जी जी। और जो भी अरोलिया पंचायत में भ्रष्टाचार, घुसखोरी, जो भी लूटपाट जो जनता के बीच में चल रहा है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। मतलब अरोलिया पंचायत से इस चीज का नामो निशान मिटा देना है। जी जी। बस यही जुनून है हम लोग के साथ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। चंद्र प्रसाद जी। आप यानी श्रीमती रामा देवी के पति मनोज शाह जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इन लोग मतलब मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज शाह बहुत अच्छे आदमी हैं। जी जी। हमारे पंचायत में दलाली भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। जी जी। इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राम अनुग्राम है, मैं अयोध्या पंचायत का रहने वाला हूँ। जी, मैं मनोज शाह को समर्थन करता हूँ। जी जी। और जो लोग भी मेरे साथ में होंगे, उन सबों के साथ में मैं उनके साथ में समर्थन। जी जी। यानी समर्थन आप क्यों कर रहे हैं, इनका क्या मतलब? वो अच्छे व्यक्ति हैं, स्वच्छ व्यक्ति हैं। जी जी। इसलिए हम लोग उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। रामबोध कुमार जी। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सपा को चलाने के लिए अच्छा इंसान चाहिए, समाज को एक साथ जोड़ कर रखे, एक दूसरे के दुख में बांटे, उस तरह का प्रत्याशी हम लोग को चाहिए। और उस तरह का प्रत्याशी हमारी अयोध्या पंचायत के लंबा देवी है, इनसे बहुत हम उम्मीद रखते हैं, आज भी रखते हैं, कल भी रहेंगे। ऐसा के लिए स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी, यानी कि श्रीमती रामा देवी आप मुख्य प्रत्याशी हैं, उनके मतलब पति है श्री मनोज शाह जी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि विकास का काम हो। जी जी। बहुत काम पिछड़ा हुआ है। जी। एक साइड से काम होता है, बाकी साइड में काम नहीं होता है। जी जी। हम ये चाहते हैं मोर्जे में। जी जी। मोर्जे में भी विकास हो। जी जी। एक तरफ विकास नहीं। जी। हरियाणा पंचायत का विकास होना चाहिए, इसलिए क्षेत्र का क्यों होगा? इसीलिए उम्मीद हम लोग लगाए हैं कि मनोज जी जो ऐसे प्रत्याशी हैं पत्नी, तो हम लोग का भी उसका फायदा मिलेगा। हम लोग को तो और कुछ नहीं है, तो कम से कम रोड तो चाहिए, नल जल का पानी तो चाहिए, यही हम लोग विकास चाहते हैं, और क्या चाहिए हम लोग को? तो कोई फॉरवर्ड क्लास में है ही नहीं है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का रास्ता बने और हम लोग विकास आगे बढ़ाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मुखिया जिंदाबाद।